हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कोमल। आप देख रहे हैं कोमल किचन हिंदी। आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू। और नारियल के लड्डू बहुत जल्दी बनकर तैयार होते हैं। नारियल के लड्डू बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम नारियल लिया है। ये 300 ग्राम नारियल है। एक कप चीनी है, ये आधा कप मिल्क पाउडर है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। आधा कप दूध है, ये 2 चम्मच देसी घी लिया है मैंने, 1 चुटकी येलो फूड कलर। अब हम नारियल का लड्डू बनाना शुरू करेंगे। एक कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है, इसमें कढ़ाई को गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे घी। देसी घी लिया है मैंने, 2 चम्मच देसी घी डाल दें इसमें। देसी घी को थोड़ा हम मेल्ट होने देंगे ताकि घी हमारी अच्छे से गर्म हो जाए। घी अच्छे से हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे नारियल, इसे डाल दें। सारे नारियल को हम डाल देंगे। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम लो रखा है मैंने, इसे अच्छे से आप मिला दीजिए ताकि घी और नारियल आपस में मिल जाए। इसे अच्छे से मैंने मिक्स किया है। नारियल का अच्छी खुशबू नारियल में से आने लगी है। नारियल हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। 1 मिनट इसे मैंने पका भी लिया है। अब इसमें हम डालेंगे दूध। इसमें अब दूध डाल दें 1/2 कप। दूध डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे, दूध और नारियल आपस में मिल जाए। इसे अच्छे से आप चलाइए, चलाते रहिए, नहीं तो नारियल हमारा कढ़ाई में लग सकता है। नारियल जले नहीं, ना ही इसका कलर हमें चेंज करना है। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। दूध और नारियल अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे आप अच्छे से मिक्स इसे पका धीरे धीरे करके आप चलाइए। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। इसे 1 कप चीनी है, इसे डाल दें। चीनी को हम मेल्ट होने तक मिलाएंगे, जब तक चीनी और नारियल आपस में मिल नहीं जाए और चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। चीनी को मैंने अच्छे से अब हम इसमें येलो फूड कलर डाल देंगे। अब हम इसमें फूड कलर डाल देंगे। आप चाहे तो फूड कलर डालें या ना डालें, ये आपकी मर्जी। कलर डालने के बाद इससे कलर अच्छा आता है। येलो फूड कलर लिया है मैंने, इसे भी आप मिक्स कर दें। फूड कलर डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि जो नारियल का वाइट पार्ट है ये येलो में बदल जाए और सारा नारियल हमारा येलो हो जाए। इसे अच्छे से आप मिलाइए। ये देखिए, चम्मच से नारियल को मिक्स कर लिया है। बीच बीच में चलाते रहें ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं ये ख़त्म हो जाए। ये देखिए अच्छे से कलर। इसमें हम डाल देंगे 1 कप मिल्क पाउडर। डाल देंगे मिल्क पाउडर। कप है मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। मिल्क पाउडर डाल के इसे मिक्स कर दें, मिक्स कर दें ताकि इसमें वाइट पार्ट कहीं ना दिखे। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। मिल्क पाउडर डालने के बाद ये देखिए अब गैस का फ्लेम बंद कर दें। बंद कर दिया, 1 मिनट आप पकाइए। गैस का फ्लेम बंद कर दें, इसे ठंडा होने चलाते रहिए, बीच में हाथ ना रोके। ये हमारा पक गया है नारियल, हमारा ठंडा होने के बाद हो गया है। और एक प्लेट हम में मैंने गोल लड्डू बनाएंगे, इसे लड्डू का शेप देंगे। अब हम इसका थोड़ा सा बनाएंगे लड्डू। नारियल मैंने एक प्लेट में लिया है पहले। अब आप इसे थोड़ा सा हाथ में उठाएं, इसे दबा दबा कर गोल लड्डू बनाएं और ले लें इस तरीके से। आप अपने हिसाब से ही बनाएं ताकि इसका शेप अच्छा आए। एक समान ही सारे लड्डू हमें बनाना है। इसे इस तरह से आप दबा दबा कर लड्डू बनाएं ताकि लड्डू हमारे टूटे नहीं। ये देखिए लड्डू हमारे गोल बन गए हैं। अब हम इसे जो
प्लेट में मैंने नारियल रखा था, हम इसे मिक्स कर देंगे, कोट कर देंगे इसे ताकि इसका कलर अच्छा देखने लगे। ये देखिए इसको मैंने कोट कर दिया है नारियल के बुरादे में इस तरीके से। अब इसे प्लेट में रख दें, लड्डू हमारा बन गया। इसे दूसरा लड्डू बनाएं। अब हम इसी तरह हमें एक ही साइज के बॉल लेना है। इस तरीके से हम दूसरा लड्डू इस तरह से आप हथेली की मदद से दबा दबा कर लड्डू बनाएं ताकि लड्डू हमारे अच्छे से बने और चिकने भी रहे। बॉल बना लें, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। देखिए इसको हाथ से मैं दबा दबा कर तो बहुत आसान इस तरह से जाता है। गोल शेप दें, बॉल बन गई। ये देखिए इसको फिर नारियल के बुरादे में कोट कर दें, कोट कर दें। लड्डू हमारा कोट हो गया है नारियल के बुरादे में। इसे एक प्लेट में अब आप रख दें। इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं। आप भी इसे ज़रूर पसंद बनाएं, आपको भी ये बहुत पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।